कपड़े का उत्पादन लगभग उत्पादन का लगभग जो 60% है वो पावर लूम के जरिए होता है। पूरे भारत में लगभग 20 लाख से 22 लाख तक के पावर लूम है जिसमें 22,000 मिलियन मीटर कपड़े का उत्पादन होता है, 70 लाख लोगों को रोजगार मुहैया होता है। और इन आंकड़ों से ज्यादा अहम आंकड़े हैं पावर लूम के उद्योग में अहम रोल निभाने वाले महाराष्ट्र के भिवंडी के। पूरे भारत के पावर लूम उद्योग में 33% हिस्सेदारी सिर्फ भिवंडी की है। लगभग 7 से 8 लाख या कुछ लोग कहते हैं 9 लाख पावर लूम वाला महाराष्ट्र में मुंबई से सटा यह इलाका भिवंडी उत्पाद और रोजगार में भी इसी फीसदी की हिस्सेदारी रखता है। लेकिन आज महाराष्ट्र का मैनचेस्टर कहा जाने वाला भिवंडी एक ऐसा शहर बनने की कगार पर खड़ा है जहां न उद्योग होगा न रोजगार होगा और न ही रह जाएगी शहर की धरोहर। और इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार होगी सरकार, क्योंकि भिवंडी के पावर लूम ऑपरेटर्स का आरोप है कि सरकार का उदासीन रवैया इस उद्योग की बलि ले लेगा। भिवंडी के पावर लूम ऑपरेटर्स और इस उद्योग से जुड़े तमाम लोगों का कहना है कि सरकार की नीति और उद्योग के सपोर्ट सिस्टम में भ्रष्टाचार और कालाबाजारी के चलते पहले से ही भिवंडी के इस कारोबार पर ग्रहण लगा है और ऊपर से बिजली की उलझुलूल बढ़ती कीमत ने तो कमर ही तोड़ दी है। भिवंडी के पावर लूम ऑपरेटर्स ने इन परेशानियों के विरोध में 10 दिन लूम बंद करने का फैसला किया। जाहिर है एक ऐसे उद्योग में उत्पादन का बंद होना बेहद दुखद है जिससे न सिर्फ लाखों लोगों की रोजी जुड़ी हो बल्कि पूरे महाराष्ट्र का इकबाल जुड़ा हो। लेकिन पावर लूम ऑपरेटर्स का कहना है कि ये एक ऐसा कदम है जो उन्हें अपने पेट पर पत्थर बांध कर उठाना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं सैयद अन जैदी और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। आज हमारी चर्चा का विषय है दम तोड़ता पावर लूम और शहर है भिवंडी। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी फाजिल अंसारी साहब जो कि उसी इलाके के रहने वाले हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में ही जुड़ेंगे राष्ट्रीय एकता संगठन के जनरल सेक्रेटरी हनीफ बाबा जो इस उद्योग से रिलेटेड जो जितनी भी एक्टिविटी है उसमें बराबर हिस्सा लेते रहते हैं। हम इस चर्चा में फोन लाइन पर जोड़ने की कोशिश करेंगे महाराष्ट्र के टेक्सटाइल मिनिस्टर नसीम खान साहब को और अबू आसिम आजमी को भी जिसका उस इलाके से खासा